Hello guys, welcome again to our channel, and today we are going to continue our Indian Partnership Act 1932. हमने इसकी एक वीडियो ऑलरेडी कर ली थी जिसमें हमने देखा था पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड फर्म का नाम क्या है, मतलब इसका क्या मीनिंग है लॉ के अंडर, पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट में कौन कौन सी चीज़ें डिस्क्राइब होती हैं, हु कैन बिकम अ पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. तो यहाँ तक हमने किया था अपनी फर्स्ट वीडियो में. आज हम कंटिन्यू करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे. सो अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी और ये टॉपिक आप करना चाहते हो जो अभी हमने बताए थे, तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, यानी कि म्यूचुअल रिलेशन क्या कैसे बनेगा पार्टनर्स का. अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे और कौन से रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे. सो ये आप देखेंगे इस टॉपिक में. गाइस, इसको डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 17 के अंडर. सो फर्स्ट वन इज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. सेक्शन 12 के ए में, ठीक है, सेक्शन 12 ए में ये पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है कि हर एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो बिजनेस के जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें पार्ट ले सकता है. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में ये लिखा गया है कि इसमें सिर्फ कुछ पार्टनर्स ही पार्ट लेंगे, बाकी सब इसके बिजनेस एज अ स्लीपिंग पार्टनर और डोमिनेंट पार्टनर काम करेंगे या कुछ काम नहीं करेंगे मीन्स, तो वहां पे आपकी सिचुएशन क्लियर होती है. बट अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस है, सो उस कंडीशन में आप किसी भी पार्टनर को नहीं रोक सकते अपने उस बिजनेस में पार्ट लेने से या कुछ डिसीजंस लेने से. द सेकंड वन इज टू अटेंड डेलिजेंटली टू हिज ड्यूटीज. जो भी उसकी ड्यूटीज हैं उस बिजनेस में, यानी जो भी काम उसको डेलीगेट किया गया है या कुछ भी जो उसकी ड्यूटीज बनती है, उसको वो ड्यूटीज कंपलसरी करनी पड़ेंगी. अगर वो उसको नेग्लेक्ट कर देता है कि पार्टनर कहता है कि नहीं मैं ये ड्यूटी नहीं कर रहा, और उस वजह से कुछ लॉस कंपनी को उस फर्म को होता है, तो वहां पे पार्टनर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उस लॉस को खत्म करे या उस लॉस को बियर करे. अनदर वन, राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन. पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं, हर एक पार्टनर का राइट है कि वो अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं इन एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, देन इट कैन बी सेटल्ड बाय द मेजॉरिटी. यानी कि सपोज पांच पार्टनर्स हैं, मैं हूं और कुछ लोग और हैं पार्टनरशिप में, तो वहां पे क्या हुआ, हमने कुछ डिसीजंस लेने हैं, तो वहां पे मेरी स्वीकृति नहीं हो रही कि नहीं आप जो सब बोल रहे हो, आप एक साइड कह रहे हो कि हाँ हमें ये कोई ट्रांजेक्शन करनी चाहिए और मैं कह रही हूँ कि नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेजॉरिटी देखी जाएगी. बट कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जहां पे मेजॉरिटी नहीं होगी बल्कि सारे पार्टनर्स को अग्री होना जरूरी है, सबका ओपिनियन सेम होना जरूरी है. जैसे कि अगर आपको एक न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो वहां पे सारे पार्टनर्स को राजी होना जरूरी होगा. अगर आपको बिजनेस का जो आपकी नेचर है वो चेंज करना है, तो वहां पे भी आपके सारे पार्टनर्स को अग्री करना कंपल्सरी होगा. सो अनदर वन इज राइट टू असेस द बुक. If I am a partner in a partnership firm, then I have a right to assess the books of that particular firm. ठीक है, वहां पे मुझे कोई अनदर पार्टनर मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता कि नहीं आप डोरमेंट पार्टनर हो, आप स्लीपिंग पार्टनर हो या कुछ भी हो, तो आप हमारे बुक्स नहीं अपने बुक्स नहीं देख सकते फर्म के, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. वहां पे अगर मैं पार्टनर हूं तो मेरे पास राइट है कि मैं फर्म के बुक्स देख सकती हूँ. अनदर वन, टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन. हाँ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन. सपोज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की है. यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बोल दिया कि चलो हम फर्म तो कर ही रहे हैं, हमें अकाउंटेंट की भी जरूरत है, तो मैं एज अ पार्टनर तो हूँ ही हूँ, बट आई विल ऑल्सो वर्क एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अ पार्टनरशिप फर्म. वहां पे मेरी अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि मुझे इस वर्क के लिए रेम्यूनरेशन दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी, क्योंकि अगर आप दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट कर रहे हो आपको उसको सैलरी देनी है, और मैंने कहा कि आप मुझे सैलरी दे देना, और पार्टनरशिप फर्म की जो डीड है उसमें ये लिखा गया कि दिस पर्टिकुलर पार्टनर इज वर्किंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो फॉर अ फर्म, सो ही विल बी एबल टू गेट रेम्यूनरेशन और सैलरी. तो वहां पे मुझे सैलरी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया कि कितनी कुछ सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है किसी पार्टनर को,
तो इन फ्यूचर आई कैन नॉट डिमांड फॉर द सैलरी फॉर दी फॉर अनदर वर्क जो भी मैं कर रही हूँ, ठीक है. वहाँ पे मेरे पास कोई भी राइट नहीं होगा कि मैं रेम्यूनरेशन की मांग करूँ. टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब है. अनदर वन, प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इक्वली. अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 5:3:2 है, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है 3:3:2 या कुछ भी शेयरिंग रेशियो हो सकती है. बट अगर नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पे क्या कंडीशन होगी? अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें वो प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा. जैसे 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, प्रॉफिट हमारा बना है 3 लाख, तो इस कंडीशन में 1-1 लाख हर पार्टनर को मिल जाएगा. बट अगर ऐसी कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्क्राइब की गई है कि इस फॉर्म में होगा तो उसी के अकॉर्डिंग होगा. बट अगर शेयरिंग रेशियो नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो इक्वली आएगी. नेक्स्ट वन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर पार्टनरशिप डीड में डिस्क्राइब किया गया है कि हाँ हम कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर ऐसा नहीं लिखा गया पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है इन शॉर्ट, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे हम इंटरेस्ट नहीं देंगे ऑन कैपिटल. अनदर वन, इंटरेस्ट ऑन एडवांस. कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर ने एमरजेंसी में या किसी नॉट एमरजेंसी कुछ ऐसी चीज हो गई कि पार्टनर को अपनी जेब से पेमेंट करना पड़ गया, ठीक है, जो उसका कैपिटल का पार्ट नहीं था, कैपिटल के तौर पे उसने नहीं दिया, एज एन एडवांस दिया है अपनी फर्म को पर्सनली, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे वो एबल कैपेबल है उस पर इंटरेस्ट लेने के लिए. अब वो इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा? वो इंटरेस्ट 6% होगा. अगर पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि एडवांस में हम इतना चार्ज, इतना इंटरेस्ट देंगे, इतना परसेंट, इट्स ओके. बट अगर नहीं लिखा गया तो एडवांस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, और कितना दिया जाएगा? 6% दिया जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, राइट टू बी इंडेमनीफाई. अगर एक पार्टनर एमरजेंसी में कुछ डिसीजंस लेता है, कुछ पेमेंट करता है अपने पॉकेट से, जो कि फॉर्म के लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है, बट कुछ गलत हो जाता है या उसकी किसी डिसीजन की वजह से कुछ उसको पर्सनली लायबिलिटी बन जाती है, तो वहाँ पे उस पार्टनर के पास राइट होता है कि वो सारे पार्टनर्स को कहे कि मुझे इस चीज़ से इंडेमनीफाई करो, मुझे इससे सिक्योर करो, उसका पेमेंट सारे मिलके भरें, या फिर जो भी उसका सर्कमस्टेंसेस होगा उसके अकॉर्डिंग उसको इंडेमनीफाई किया जाए. नेक्स्ट वन, टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट. यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है गाइस कि एक पार्टनर ने विलफुली नेग्लेक्ट किया है किसी चीज को करने से, तो वहां पे जो फर्म को लॉस बियर करना होगा, तो वो उस पार्टनर को जिसने नेग्लेक्ट किया है विलफुली, उसे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा जो भी फर्म को लॉस हुआ है. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या क्या मानी जाएगी? अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया कि फर्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट की जा रही हैं, तो वहाँ पे इन दैट केस ये 3 चीज़ों को नॉर्मली वहाँ पे फर्म की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा. फर्स्ट वन इज वो सारी प्रॉपर्टी जो बिजनेस के स्टार्टिंग के टाइम उनके पास थी. नेक्स्ट वन उनकी गुडविल. एंड थर्ड वन जो भी फर्म के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी गई है, फर्म ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया था उससे कुछ खरीदी थी, या किसी भी उनके पेमेंट की तरफ से उसको आई है, तो वो उनको एज अ प्रॉपर्टी ही ट्रीट किया जाएगा. नेक्स्ट वन, टू होल्ड एंड यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी भी पार्टनर को जो फर्म के लिए किसी काम के लिए प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो उसके पास वो राइट है कि वो कर सकता है, ठीक है. टू अकाउंट फॉर प्राइवेट प्रॉफिट्स. प्राइवेट प्रॉफिट क्या होता है गाइस? सपोज हम सब ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, और वहाँ पे मैंने क्या किया कि किसी थर्ड पार्टी के पास जाके कहा कि मैं तो इस पार्टनरशिप की में पार्टनर हूँ, या उस फर्म का नाम यूज करके मैंने कुछ उसके साथ पर्सनल, अपना फर्म के नाम का नहीं, अपना कुछ बिजनेस उससे किया, या अपना कुछ ट्रांजेक्शन उसके साथ कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसको कहेंगे हम प्राइवेट प्रॉफिट्स ले लिया मैंने, उसका नाम यूज करके फर्म का मैंने प्राइवेट प्रॉफिट कमा लिया, तो यहाँ पे मुझे वो प्राइवेट प्रॉफिट जो है वो अपनी फर्म को वापस देना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स इट. नाउ वी विल लर्न व्हाट इज द राइट ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स के राइट क्या क्या है गाइस? वन मोर थिंग, जो हमने अभी यहाँ पे मेन चीजें पढ़ी है, म्यूचुअल रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, यानी रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट, मोस्ट ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज
जो है वो इसी में से निकल के आती हैं। तो आप क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज़ ये मत कहिएगा कि एग्ज़ाम में हमें पॉइंट याद नहीं होते, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप पॉइंट खुद ब खुद याद करके लिख सकते हो नॉर्मली। सो अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए लैबिलिटी और ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर राइट्स जो है पार्टनर्स के बहुत ईजी टॉपिक होगा। सो एक बार देखते हैं इसको भी। सेक्शन 12 ए के अंडर बताया गया है राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, यानी कि हर पार्टनर के पास एक राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। सपोज मैंने और आपने और आपके एक फ्रेंड ने, हमने तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या हुआ, मेरा आपसे या आपके फ्रेंड से झगड़ा हो गया, तो आपने क्या कहा कि नहीं आप पार्ट नहीं ले सकते, हम बिजनेस के सारे डिसीजंस लेंगे, आप नहीं ले सकते, तो ये गलत होगा। मेरे पास राइट है कि मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, क्योंकि ये सेक्शन 12 और सब के ए में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट वन, राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड का मतलब क्या है यहाँ पे, मीन्स अगर कुछ भी काम, कोई भी ऑर्डिनरी मैटर है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, कोई हमने न्यू काम करना है, काम मतलब कुछ न्यू ट्रांजेक्शन करनी है, न्यू किसी को कुछ बेचना खरीदना है पार्टनरशिप फर्म के तहत, तो हमने क्या करना है, सारे पार्टनर्स को मिलकर कंसल्ट करना है, सारे पार्टनर को कंसल्ट किया जाना चाहिए कि हाँ आपकी क्या राय है। सबकी राय लेनी ज़रूरी है इन ऑर्डिनरी मैटर्स, जो भी ऑर्डिनरी मैटर्स हैं, ठीक है। और अगर सपोज कि उसमें मैटर्स में सब लोग एक टॉपिक पर सहमत नहीं होते, तो वहाँ पे हम मेजॉरिटी देखेंगे कि कितनी परसेंट मेजॉरिटी हाँ कह रही है और कितनी ना कह रही है। अगर सपोज कि तीन में से दो पार्टनर्स कह रहे हैं हम इसके साथ बिजनेस कर लेते हैं, तो वहाँ पे फिर उसको आगे बिजनेस किया जाएगा। बट अगर दो ने कह दिया कि नहीं करते, तो यहाँ पे मेजॉरिटी क्या कह रही है, नहीं कर रहे, सो जो भी मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वो होगा। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें मेजॉरिटी नहीं देखी जाएगी, जैसे हमने आपको पहले बताया था न्यू पार्टनर आता है तो मेजॉरिटी नहीं, सब पार्टनर्स का राजी होना ज़रूरी है। अगर आपको नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो भी सारे पार्टनर्स का अग्री होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स। कोई भी पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर को मना नहीं कर सकता कि आप हमारी बुक्स नहीं देख सकते, जो भी हमारी फर्म की बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। नहीं, उनके हर एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो बुक को एक्सेस कर सकता है, बुक्स देख सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है। नेक्स्ट वन, राइट टू शेयर प्रॉफिट। हर पार्टनर के पास राइट है कि उसको प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा। द पार्टनर्स आर इंटाइटल टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट अर्नड। इक्वली मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, अगर रेशियो ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड कर रखी है तो उस रेशियो में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नाउ द अनदर वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी पार्टनर जो है अग्रीमेंट नहीं है तो फिर वो इंटाइटल नहीं कर सकता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट अगर अग्रीमेंट में लिखा गया है या इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड कुछ भी डिसीजन लिया गया था कि इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे, तो उनको ज़रूर कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। वन मोर थिंग गाइज, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है, कभी भी इसको एज अ लाइबिलिटी नहीं समझा जाएगा। कई बार जैसे फॉर्म की किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी थी, इंटरेस्ट करना था, तो वो उनको पहले पेमेंट करते हैं फिर उसके बाद प्रॉफिट निकलता है। बट यहाँ पे प्रॉफिट आने के बाद ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट वन, राइट टू इंटरेस्ट इन एडवांस। अ पार्टनर हु एडवांस मनी फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म, ठीक है, फर्म के पर्पस के लिए किसी चीज के लिए उन्होंने अगर पेमेंट प्रोवाइड करवाई है इन एक्सेस ऑफ इस कैपिटल, कैपिटल के एक्सेस में, तो वहाँ पे क्या है कि पार्टनर को 6% पर एनम। वन मोर थिंग, 6% पर एनम, हमने पिछली बार आपको सिर्फ 6% बताया था, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 6% पर एनम दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन एडवांस। नेक्स्ट वन, राइट टू बी आइडेंटिफाई। ये सारे टॉपिक वही है गाइस जो हमने किए थे, तो बस एक बार आपको इसको समझना है कि कौन कौन से राइट में आएंगे, कौन से ड्यूटीज में आएंगे, ठीक है। राइट टू बी इंडेमनिफाई, अगर किसी पार्टनर ने कुछ पेमेंट किया है या उसको किसी वजह से लॉस हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे सारे पार्टनर को मिलकर उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। राइट टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द फर्म। अगर कोई पार्टनर फर्म के पर्पज के लिए फर्म की प्रॉपर्टी यूज करना चाहता है तो उसके पास राइट है, कोई भी दूसरा पार्टनर उसको मना नहीं कर सकता। पावर इन एमरजेंसी। पावर इन एमरजेंसी मीन्स अगर कुछ एमरजेंसी हुई है किसी मीन्स
A partner like an agent has power to act in emergency to protect the firm for loss. अगर कोई emergency की situation आती है तो जैसे एक agent के पास पूरी access होता है कि हाँ आप emergency में decisions ले सकते हो ताकि उनका loss जितना कम हो सके वो हो. उसी तरह partnership firm में agent की तरह ही partners के पास right होता है emergency में जो भी decisions वो ले decision ले सकते हैं ताकि firm का loss कम से कम हो सके. Now, right to object to the admission of a new partner. अगर कोई एक न्यू पार्टनर आना चाहता है तो यहाँ पे हर पार्टनर का कंसेंट देना ज़रूरी है. ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने मना कर दिया कि नहीं हम इस न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि उस पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता. राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड. अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज. सपोज मैंने और आपने आपकी और आपके एक फ्रेंड ने हम तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया. अब मेरा आपसे झगड़ा हो गया था, आपने क्या कहा कि चलो हम तो मेजॉरिटी में हम इसको निकाल देते हैं, हम इसको कहते हैं कि आप निकल जाओ. नाउ एक सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि आप मेजॉरिटी से किसी भी पार्टनर को एक्सपेल्ड नहीं कर सकते. एक्सपेल्ड यानी कि उसको उसके पार्टनरशिप से नहीं निकाल सकते कि हाँ आप पार्टनरशिप से निकल जाओ. So, a partner may not to be expelled from a firm by any majority of the partners except in the exercise in good faith of powers conferred by contract between the partners. Next one. Now, duties and responsibilities kya hai partners ki? Obviously, agar aapko kahi right milte hai, to aapko duties bhi milti hai. So, to indemnify for loss caused by fraud, अगर किसी partner ने fraud किया है जिसकी वजह से firm को loss हुआ है तो उसे उस firm उस loss को indemnify करना ज़रूरी है. Come to next one. Not to carry on any other business in certain case. ठीक है, कुछ cases को छोड़कर एक partner के पास right नहीं होता कि वो same business carry कर सके, यानी same business चलाए. A partner may make a valid agreement in registrate of trade with contract act with other partners. Such an agreement is not void under section 27 of the Indian Contract Act. In such a case, a partner cannot carry on any business other than that of the firm while he is a partner. ठीक है, अगर वो partner है तो वो कोई और business उस time पे नहीं चला सकता. और वो सिर्फ कुछ cases में है, not carry on any other business in certain case. हर case में ऐसा नहीं है. To attend diligently to his duty, जो भी duties उसको delegate की गई हैं, जो भी duties उसको दी गई हैं partnership firm में, उसको वो करनी ज़रूरी है. वो उसकी duty है, liability है, और sorry responsibility है. Not to claim remuneration, जैसे अभी आपको बताया था अगर partnership deed में कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो claim नहीं कर सकता remuneration के लिए. To share losses, भैया आप अगर profit ले रहे हो तो आपको loss भी लेना पड़ेगा, ये भी आपकी duty है. ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि नहीं profit ही ले रहा हूँ. अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं है तो आपको लॉसेस में भी अपना शेयर करना लेना पड़ेगा. टू होल्ड एंड यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो बिजनेस की, फर्म की कोई प्रॉपर्टी, तो आप उसको सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट अर्न, यानी अगर आपने कुछ पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया है तो वो आपको वापस करना पड़ेगा फर्म को. टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट इन कम्पीटिंग बिजनेस. वन मोर थिंग, कम्पीटिंग बिजनेस क्या होता है कि यानी सेम मैनर में अगर हमारा बिजनेस है कि हम कोई बेकरी शॉप कर रहे हैं और आपने क्या किया कि सेम बिजनेस आगे जाके कर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अ पार्टनर कैन नॉट कैरी ऑन कॉम्पिटेटिंग बिजनेस. ठीक है, वो कैरी ही नहीं कर सकता. द ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एजेंसी. जस्ट एन एजेंट कैन नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट, अ पार्टनर ऑल्सो कैन नॉट मेक द सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम कॉम्पिटेटिंग बिजनेस. कॉम्पिटेटिंग बिजनेस से सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, ना ही एजेंट कर सकता था, ना ही यहाँ पे पार्टनर कर सकता है. नेक्स्ट वन, टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली. जॉइंटली का मतलब क्या होता है, सारे मिलकर. एवरी पार्टनर इज लायबल, हर पार्टनर लायबल होता है, चाहे वो जॉइंटली हो, सबको मिलाकर हो, या फिर एक पर्टिकुलर बंदा ही हो, मतलब पर्टिकुलर पार्टनर ही क्यों ना हो. और वो किसके लिए लायबल है, ऑल द एक्ट्स फॉर द फर्म डन वाइल ही इज अ पार्टनर. यानी कि जिस समय से लेकर वो पार्टनर है, सपोज 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक एक बंदा पार्टनर था, ठीक है, उस टाइम पीरियड में जितने भी फर्म में डिसीजंस लिए गए हैं, उस फर्म में जितना भी काम हुआ है, वो उसके लिए वो इंसान लायबल होगा क्योंकि उस टाइम वो वहां पे पार्टनर था. अनदर वन, नॉट टू असाइन इंटरेस्ट.
असाइन इंटरेस्ट यानी कि अपना इंटरेस्ट किसी और को दे दिया. अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू एन आउटसाइडर, किसी आउटसाइडर को नहीं दे सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जब तक कि सारे पार्टनर्स इसके लिए राजी नहीं हो जाते. इन केस अगर वो ट्रांसफर कर भी देता है हिज इंटरेस्ट, द ट्रांसफर कैन नॉट इंटरफेयर यानी इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि जिसको भी इंटरेस्ट ट्रांसफर किया गया है वो बिजनेस को बिजनेस के डिसीजंस में अपनी राय नहीं दे सकता, अपने डिसीजंस के लिए नहीं बोल सकता कि हाँ आप ये लो करो या वो करो. नाउ द अनदर वन, हमने पढ़ा था कि गाइस माइनर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कैपेबल नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. बट पार्टनरशिप एक्ट में क्या है कि माइनर की पोजिशन होती है इन पार्टनरशिप. कैसी होती है, क्या होती है, ये देखते हैं. A partnership is created by an agreement. Since a minor is incapable of entering into a contract, he cannot become a partner. Partner nahi ban sakta wo. However, he may be admitted to the benefit of partnership with the consent of all the partners. Agar sare partners तैयार हो जाते हैं, अगर अपनी सहमति दे देते हैं, तो वहाँ पे माइनर को क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, सिर्फ बेनिफिट के लिए. ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, दो केस हो सकते हैं. मींस उसके राइट्स क्या है, लाइबिलिटीज उस टाइम क्या होंगी, कब कब पोजीशन बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी. भाई माइनर है तो माइनर जब तक मेजर नहीं होता उससे पहले की उसके क्या राइट होंगे, क्या लाइबिलिटी होंगे. और भाई अब माइनर हो तो मेजर तो हो गए, आज नहीं तो कल नहीं तो 4 साल बाद कभी तो हो रहे हो, तो उस टाइम पर उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या होगा वो देखते हैं. सो नाउ राइट क्या है, मेजॉरिटी से पहले राइट टू शेयर द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म. प्रॉपर्टी और फर्म की जो भी प्रॉफिट है उसको लेने की राइट है उसके पास. राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट कॉपी ऑफ एनी अकाउंट, अकाउंट की कॉपी ले सकता है पर अकाउंट नहीं, बुक्स नहीं देख सकता. क्यों नहीं देख सकता गाइस, बुक्स में कुछ ज़्यादा की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो कि पार्टनर्स किसी भी मेजर इंसान को नहीं दिखाना चाहते होंगे या किसी और इंसान को नहीं दिखाना चाहते होंगे, इसीलिए यहाँ पे इसके पास इंस्पेक्ट कॉपी तो कर सकता है इंस्पेक्ट या एक्सेस, बट यहाँ पे अकाउंट को नहीं देख सकता. नेक्स्ट वन हैज़ अ राइट टू फाइल अ सूट फॉर अकाउंट ऑफ द पेमेंट ऑफ हिज शेयर और प्रॉफिट व्हेन ही वांट टू लीव द पार्टनरशिप, यानी कि अगर जब वो पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है तब तक उसके जो भी प्रॉफिट्स होते हैं या उसका जो भी शेयर है अगर वो लेना उसके लिए पार्टनर्स मना कर रहे हैं तो वो वहां पे सू कर सकता है, ये उसका राइट है. लायबिलिटी, पर्सनल लायबल नहीं होता माइनर फॉर हिज लायबिलिटी ऑफ द एक्ट ऑफ द फर्म इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द फर्म. जो भी फर्म का फर्म में उसका शेयर है उतना तो वो लायबल होगा, ठीक है, पर उससे ज़्यादा की उसकी लायबिलिटी नहीं होगी. बट अगर उस केस में कुछ केस में ऐसा हो जाता है कि उसके शेयर से ज़्यादा की लायबिलिटी बन रही होती है तो वहाँ पे उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी लायबल नहीं की जाएगी. नेक्स्ट वन इफ द फर्म इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है और हिज शेयर इज इन द फर्म वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी, बट अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट. डिक्लेयर नहीं कर सकते उस केस में, वहाँ पे माइनर को आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते. ना मेजर माइनर थे आप मेजर हो गए, अब उस टाइम पे क्या होता है, जब भी आप मेजर के केसेस में मेजर हो जाते हो, अटेन कर लेते हो मेजॉरिटी, सो ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी द माइनर इज गिवन एन ऑप्शन टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर. तब उसके पास एक राइट आ जाता है, वो चाहे तो एज अ पार्टनर कंटिन्यू कर सकता है और ना चाहे तो नहीं कर सकता. सो फॉर दैट ही हैज टू गिव अ पब्लिक नोटिस, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि वो इलेक्ट हो रहा है एज अ पार्टनर और नहीं हो रहा. If he does not give such notice, he shall become a partner. अगर नहीं दे रहा so he shall become a partner in the firm on the expiry of 6 months of his attaining majority. मतलब क्या है, मैं आज 18 साल की हो गई हूँ, ठीक है, अगर मैं 6 महीने के अंदर नहीं नोटिस देती कि हाँ मैं इस फॉर्म में पार्टनर की तरह कंटिन्यू कर रही हूँ या नहीं कर रही, तो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली सब ये समझ लेंगे कि हाँ ये एज अ पार्टनर ही अटेन एज अ पार्टनर कंटिन्यू हो रही है. हाँ Attaining majority shall lie on the person assigning the fact. अगर वो when he elect to become a partner, जब वो elect हो जाता है to become a partner, so personally liable हो जाएगा to the third party for all the act of the firm done, यानी जिस तरीके से as एक partner की responsibility होती है वैसे ही इसकी हो जाएगी.
शेयर इन प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट रिमेन द सेम, जो भी उसकी प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में शेयर था वो सेम ही रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू बिकम अ पार्टनर, अगर वो इलेक्ट करता है नॉट टू बिकम अ पार्टनर, सो लायबल एज बिफोर अंटिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे दिया जाता. After the notice, not liable for any act done by the firm. Public notice देने के बाद, जारी करने के बाद, firm के द्वारा किसी भी किए गए काम को लेकर वो liable नहीं होगा. Entitled to sue the partners for his share of the profit and firm, property and profit. So guys, this was your Indian Partnership Act 1932. I hope आपको ये समझ आया हो, आपके exam के लिए useful topic हो. And प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके कमेंट्स से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं उसे भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल.